जनपद बरेली में आईएमसी प्रमुख को पुलिस प्रशासन ने हाथरस जाने से रोका। बरेली अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज्जा खान हाथरस रेप पीड़ित के परिवार से मिलकर आईएमसी की तरफ से आर्थिक सहायता करने के लिए दोपहर आला हजरत मस्जिद बिहारीपुर करोलॉन से पार्टी पदाधिकारियों के साथ रवाना हुए। थोड़ी ही दूर पुलिस चौकी पर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ सीओ प्रथम कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ बैरिकेडिंग कर धारा 144 और कोविड के आधार पर जाने देने से इनकार करने लगे, जिस पर आईएमसी पदाधिकारी चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। आईएमसी प्रमुख इस बात पर अड़ गए, ये या तो जाने दिया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना था कि किस आधार पर, किस कानून के आधार पर रोका जा रहा है। मौजूद पत्रकारों से वार्ता करते हुए आईएमसी प्रमुख ने कहा, सरकार नाकाम हो चुकी है। धर्म के नाम पर चुनकर आई सरकार सबसे बड़ी अधर्म कर रही है। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता। इस सरकार ने यह अधर्म किया है। जिस बच्ची से रेप कर हत्या कर दी गई, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। ओएनआई न्यूज के लिए बरेली उत्तर प्रदेश से सुमित कुमार की रिपोर्ट। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। मैं देहाती पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, बचपन में गांव में रहता था, तब मैंने देखा है कि किसी के बकरी, गाय, भैंस या पालतू कुत्ता भी मर जाता था, पूरा गांव उसको हमदर्दी जताने उसके घर पे जाया करता था। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरा गांव उसके यहाँ जाता था। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके गम में शरीक होने जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें रोका जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से। प्रेस पे पाबंदी लगाई जा रही है। हम वहाँ उनके गम में शरीक होने, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए जाना चाहते थे। हमारे आईएमसी परिवार ने कुछ सहायता राशि का इंतजाम किया था, वो उसके वालिदैन को देने जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ रोक कर मुझे लगता है कि जिला पुलिस और जिला प्रशासन, इनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में अमन शांति बना रहे। रोकने से शांति को खतरा है या मेरे यहाँ जाने से शांति को खतरा हो सकता है। रोक कर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने शहर का माहौल खराब नहीं होने दूंगा। जिला प्रशासन का, पुलिस का जो सहयोग हो सकता है मैं करूंगा। मुझे उनके यहाँ जाना है, मैं बाद में किसी वक्त चला जाऊंगा। मुझे उनके पास सहायता राशि भेजनी है, मैं किसी और वक्त चला जाऊंगा।